Next example regarding dereference property of the point means star p. In that case, first of all we are declaring variable as x. Suppose that this is the memory diagram having 2 2 bytes blocks. It's a single size block ka size kya 2 bytes. Suppose that in this case mein x maine plot kiya to the location x, location 100. Then value of that location is 10. After that we are creating pointer variable p. Pointer means create kiya ne separate place par like that. P ke cases mein assign kya kiya third case mein p equals to address of x. X ka address diagrams ke according found ho raha 100. Iske p mein kya assign hoga 100. Then immediately p is locations ko point karna start means p ke case mein one thing clear hai. P किस location से point करना start करें from 100 onwards. यह 100 onwards कई सारे bytes available हैं. Then इसे 100 से लेकर कितने bytes point हो next कितने bytes point करना possible. There is no such information. अगर आपके पास confusion create हो रहा है तो admin साहब sure इस case में P के अंदर x का address है. इससे और x का type क्या है integer. मैंने already discuss किया था किसी भी pointer के through कितने bytes point करना हो doesn't matter means किस type का address run किया. मैं depend करेगा what is the type of pointer. A character pointer then only kitne bytes point honge is case mein 1 byte. Integer pointer then 2 bytes. Float pointer 4 byte. In void pointer case mein void ka koi size nahi hota isliye void pointer ke through determine karna possible nahi hai how many bytes are pointed by this pointer p. That's why we cannot create location called as star p. Means star p directly consider karna possible nahi. Lekin agar same case mein apply karte hain something means स्टार पी डायरेक्टली कंसीडर करना पॉसिबल नहीं. लेकिन इस पर्टिकुलर 2 बाइट के ब्लॉक को अगर इस रियल में डिफरेंस करना देना अप्लाई क्या करेंगे इन प्लेस ऑफ स्टार पी. स्टार पी लेकिन स्टार पी के लिए स्टार अप्लाई करने से जस्ट पहले इसको टाइपकास्ट किस में करना होगा इंट स्टार पी. मींस इस केस में लोकेशन को लॉजिकली एक्सेस करें बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. वन मोर थिंग्स स्टार एंड इंट स्टार p. इस केस में जब कंपाइल सॉरी जब ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हो इस एक्सप्रेशन में टू ऑपरेटर्स अप्लाई किए डिफरेंस ऑपरेटर और टाइप कास्ट. दोनों का टाइप यूनरी ऑपरेटर इसलिए सॉल्व कैसे हो राइट टू लेफ्ट सबसे पहले किसको चांस मिलेगा टाइप कास्टिंग. सेकंड केस में चांस किसको प्रोवाइड हुआ डीरेफरेंसिंग. सबसे पहले p के केस में इनिशियली एड्रेस किस टाइप का है वॉइड टाइप का. लेकिन वॉइड टाइप का एड्रेस टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग पहले कन्वर्ट किस में हुआ इंट स्टार में. देन इंट स्टार के अकॉर्डिंग अप्लाई क्या करेंगे स्टार. स्टार के थ्रू जब डीरेफरेंस करेंगे ऑलरेडी कंपाइलर के लिए इन्फॉर्मेशन श्योर है पी कंटेंट्स एड्रेस ऑफ इंटीजर टाइप. इसलिए स्टार पी से कितने बार डीरेफरेंस होंगे 2 बाइट्स. दिस इज अ वैलिड केस. मींस इस केस में रेस क्या हो फाइनली कंपाइल टाइम एरर्स. कंपाइल टाइम एरर्स सिमिलरली अगर आप इस केस में ट्राई कर दो प्रिंट एफ इफ यू वॉन्ट टू इंटरेस्टिंग डिस्प्लेइंग साइज ऑफ पी. अगर p का साइज डिस्प्ले कराएं यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर देन p का साइज क्या डिस्प्ले होगा इस केस में सिंपली 2 बाइट्स. सिंपली 2 बाइट्स इसी इस केस में रेज करो कंपाइल टाइम है. सिंपली इसको अगर आप कमेंट्स में प्रोवाइड करोगे देन सेकंड स्टेटमेंट को ट्राई कर देन p का साइज क्या आएगा 2 बाइट्स. अगर सेम केस में स्टार p का साइज डिस्प्ले कराएंगे देन अगेन इट इज इनवैलिड प्रॉपर्टी बिकॉज स्टार पी के केस में स्टार पी का कोई भी साइज अवेलेबल नहीं. क्या आएगा साइज ऑफ स्टार पी इज 0 और अननोन मींस कंपाइल टाइम एरर्स.